हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम का लेक्चर नंबर 9 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग पैंक्रियास ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ गाइस, पैंक्रियास में हम लोग लैंगरहैंस के बारे में पढ़ेंगे। लैंगरहैंस के जो भी आइलेट्स हैं, मतलब लैंगरहैंस का द्वीप समूह जिसे हम लोग कहते हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम का ये है हमारा लेक्चर नंबर 9। इस सिस्टम के बहुत सारे नोट्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपको लायन बैच मतलब नॉलेज अड्डा चैनल में ही मिलेंगे, बिल्कुल फ्री है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग सारे वीडियो लाइन से देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक डाल करके रखा हुआ है, जहां पे सारे वीडियो आप लोगों को लाइन से मिल जाएंगे बीएससी जूलॉजी 11-12 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। अगेन यहाँ पे मैं आप लोगों को नोट्स देने वाली हूँ, जिसका आप लोग टाइम टू टाइम स्क्रीन शॉट ले सकते हो। तो यहाँ पे ये वाला डायग्राम आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ये डायग्राम आपको क्या करना है, अपने नोट्स में बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, एग्जाम में दो तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले तो ये पूछ सकते हैं कि लैंगरहैंस के द्वीप समूह से आप लोग क्या समझते हो, मतलब लैंगरहैंस के आइलेट से आप लोग क्या समझते हो। सेकेंड नंबर में ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि पैंक्रियास ग्लैंड को समझाइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग अपने एब्डोमिनल कैविटी की बात करें, एब्डोमिनल कैविटी मतलब समझ सकते हो चेस्ट कैविटी की जस्ट नीचे होता है हमारा एब्डोमिन, मतलब हमारा जो पेट वाला हिस्सा होता है। तो वो जो एब्डोमिनल कैविटी होता है, उसमें क्या पाया जाता है, स्टमक पाया जाता है, अमाशय जो आप सभी जानते हो। और स्टमक के जस्ट पीछे में, मतलब अमाशय के जस्ट पीछे में पाया जाता है ये हमारा पैंक्रियास, जो कि एक प्रकार का ग्लैंड है। यहाँ पे देखिए 20 सेंटीमीटर क्या होता है, ये लंबा होता है और ये एक प्रकार का चपटा ग्लैंड होता है गाइस, जो कि बहुत टाइप के हार्मोन्स और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट करते हैं। इंसुलिन, नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा इंसुलिन का, जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं जिनको सुना होगा आपने इंसुलिन लगता है। तो जी हाँ, वही इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन ये पैंक्रियास करते हैं, जो कि यहाँ पे देख रहे हो अभी डायग्राम में येलो कलर का शो हो रहा है, बट एक्चुअल में ये हल्का पिंक कलर का होता है ना। हालांकि डायग्राम में भले येलो कलर का शो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, हल्का गुलाबी कलर का होता है पैंक्रियास ग्लैंड। और यहाँ पे जो ये वो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, वो क्या होता है, इसका पैंक्रियाटिक डक्ट होता है। खैर, ये सब चीज के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, मेन हमारा फोकस इस पैंक्रियास के ऊपर ही होने वाला है। ये आप लोग जो देख रहे हो बलून के टाइप का ग्रीन कलर का, वो हमारा गॉल ब्लैडर होता है। जब मैं आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी ना, तो ये सब का मैं आप लोगों को वहां पर यूज फंक्शन वगैरह बता दूंगी, अभी बस ऐसी नॉलेज के लिए जानिए। और यहाँ पे जो आप लोगों को ये यू शेप का दिख रहा है, वो क्या है, ड्यूडिनम कहलाता है, है ना। तो ये सब चीज के बारे में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छे से पढ़ने वाले गाइस। और यहाँ पे देखिए पैंक्रियास से जस्ट चिपका हुआ है हमारा स्प्लीन। तो ये तो हुआ पैंक्रियास से लगे हुए ऑर्गन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज, लेकिन मेन हमको एक्चुअली आज के वीडियो में फोकस करना है इस पैंक्रियास ग्लैंड के बारे में, क्योंकि ये जो पैंक्रियास होता है वो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। और अगर हम लोग इस पैंक्रियास को माइक्रोस्कोप में देखें, मतलब इनके जो भी टीसू वगैरह है उसको थोड़ा सा और हम लोग अच्छे से देखें, तो हमको कुछ इस तरीके से संरचना दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट वाली स्क्रीन में मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगी। और यहीं पे हमारा होता है लैंगरहैंस, लैंगरहैंस के जो भी आइलेट्स होते हैं, लैंगरहैंस के जो भी द्वीप समूह होता है, वो इसी यहाँ पर ही इसी स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्क्रीन में आप लोगों को इसको थोड़ा सा बड़ा करके बता दूंगी। तो ये होता है गाइस हमारा आज के टॉपिक का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। और इस लैंगरहैंस में बहुत सारे कोशिकाएं होती है, एक प्रकार से कहो ये कि कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है, जिसको हम लोग लैंगरहैंस के द्वीप भी कहते हैं। अब चलिए, नाम आखिर इसका लैंगरहैंस क्यों पड़ा हुआ है। तो लैंगरहैंस नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1869 में, जी हाँ 1869 में, इस लैंगरहैंस की जो भी कोशिकाएं हैं, लैंगरहैंस के द्वीप है, उनकी उन्होंने क्या की थी, डिस्कवरी की थी। तो उनके नाम के आधार पर ही इसको लैंगरहैंस के द्वीप कहा जाता है। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो ये लैंगरहैंस का जो द्वीप है ना, उसको हम लोग स्मॉल आइलैंड भी कहते हैं, स्मॉल आइलैंड भी इसको कहा जाता है। वैसे बहुत सारे नाम है, पैंक्रियाटिक आइलैंड भी इसको कहा जाता है, स्मॉल आइलैंड भी इसको कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग लैंगरहैंस द्वीप समूह में जितने टाइप की कोशिकाएं हैं, जितने टाइप के उनके कैरेक्टर हैं, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, पूरा हम लोग आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो अभी के लिए आप लोग क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट अगेन अगर आप लोग नहीं लिए हो तो ले लो, क्योंकि आपको क्या करना है गाइस, अपने नोट्स में इसको बनाना है।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अगर हम उसके नंबर की बात करें कि हमारे शरीर में कितने लैंगरहैंस के द्वीप पाए जाते हैं या फिर कितने लैंगरहैंस के आइलेट्स पाए जाते हैं, तो हमारे शरीर में 1,000,000 से भी ज्यादा लैंगरहैंस के आइलेट्स पाए जाते हैं। क्योंकि देखो ये बहुत छोटा छोटा होता है ना, बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, तो पूरे पैंक्रियास में क्या होता है 1,000,000 से भी ज्यादा लैंगरहैंस के द्वीप क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट स्क्रीन में थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन में हम लोग देखने वाले हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, मतलब जो भी लैंगरहैंस का द्वीप है उसको हम लोग हिस्टोलॉजी देखने वाले हैं। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम हम लोग देखेंगे जहां पर मैं आप लोगों को सारे सेल के बारे में अच्छे से यहाँ पर बताने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। ये जो आप लोगों को शो हो रहा है बीच में, ये हमारा क्या कहलाता है, लैंगरहैंस के आइलेट्स कहलाते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाते हैं। और इसी लैंगरहैंस में ना बहुत सारे छोटे 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 कोशिकाएं होती है, मतलब बहुत सारे स्मॉल स्मॉल सेल होती हैं, कोशिकाएं होती है। अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग काम होता है, अलग अलग वो हार्मोन सीक्रेट करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये जो आप लोगों को ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है, स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है, जो स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा सेल बोलते हैं। जो यहाँ पे डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है उसको हम लोग अल्फा सेल कहते हैं। यहाँ पे जो पर्पल कलर का दिख रहा है उसको हम लोग डेल्टा सेल कहते हैं। इससे यहाँ पे जो हमारा टिश्यू है उसमें बहुत सारे रेड ब्लड सेल भी पाए जाते हैं, मतलब रक्त की कोशिकाएं भी पाई जाती है। ये जो आप लोग फ्लावर के समान स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसको हम लोग पैंक्रियाटिक एक्नी कहते हैं, है ना। और इसके बीच का जो ये हिस्सा होता है उसको हम लोग डक्ट कहते हैं। बट मेन हमारा फोकस इस पे होने वाला है जो बीच में है, हमारा लैंगरहैंस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पे होने वाला है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इनके जो भी कोशिकाएं है ना उनके बारे में लाइन से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहला देखो अल्फा सेल, बता चुकी हूँ अल्फा सेल कौन सा होता है, जो यहाँ पे डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है, कितना है, ज्यादा से 3-4 है यहाँ पे, है ना अल्फा सेल। तो अल्फा सेल लैंगरहैंस के द्वीप का 30% भाग बनाते हैं। इन सेल में साइटोप्लाज्म, गोल्जी काय, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा राइबोसोम पाए जाते हैं। क्योंकि देखो ये जो अल्फा सेल होते हैं वो उतना ज्यादा नहीं होते हैं, केवल लैंगरहैंस के द्वीप के केवल 30% पार्ट को बनाते हैं, है ना। लेकिन अगर हम लोग लैंगर इसमें अगर हम लोग अल्फा सेल की बात करें तो इनमें क्योंकि ये कोशिकाएं हैं तो इनमें केंद्रक तो पाया ही जाएगा, और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है मतलब इनका जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें गोल्गी काय, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम जैसे नॉर्मल कोशिकाओं में होता है, वो सारी चीजें क्या होता है इस अल्फा सेल में क्या होता है पाया जाता है। याद है, क्लियर हुआ। ये क्या होता है, बड़े आकार का कणिकामय कोशिकाएं होती है, एक प्रकार से ये कणिकामय कोशिकाएं होती है, और इनका साइज भी काफी अच्छा होता है, साइज भी काफी बड़ा होता है ना। और अगर मैं साइंटिस्ट के नाम बताऊं तो होयोस गुवारा ने सन 1969 में इन कोशिकाओं को चूहों में भी पाया जाएगा, जैसे कि मनुष्यों में होता है ये अल्फा सेल, उसी प्रकार चूहों में भी क्या होता है ये अल्फा सेल पाया जाता है। हालांकि मैं आप लोगों को जो नोट्स देने वाली हूँ ना उसमें हर एक चीज को मैंने क्या किया हुआ है, अच्छे से लिखा हुआ है अल्फा सेल के बारे में। अच्छा आप लोग अच्छे से समझ गए। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, बीटा सेल के बारे में देख लेते हैं। बीटा सेल कौन सा वाला है, जो स्काई ब्लू कलर का बहुत सारा बीटा सेल दिख रहा है। बीटा सेल अगेन यहाँ पे कणिकामय होता है, संख्या में काफी ज्यादा होता है। लैंगरहैंस का कम से कम 60% भाग क्या करता है, ये फॉर्म करता है। 60% भाग कौन बनाता है, बीटा सेल हमारा बनाता है। इसका काम क्या होता है, यह सेल एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन को सीक्रेट करता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी हार्मोन के बारे में। इंसुलिन हमारे बॉडी में होना बहुत जरूरी है। और याद रखना गाइस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इन फ्यूचर किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे हमेशा क्वेश्चन आता है इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है। तो इंसुलिन तो पैंक्रियास से सीक्रेट होता है, लेकिन इंसुलिन लैंगरहैंस के बीटा सेल से क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और अगेन क्योंकि ये भी एक प्रकार की कोशिका है तो इसमें भी केंद्रक पाया जाएगा, गोल्गी काय पाया जाएगा, जो भी न्यूक्लियस है, ईआर है, राइबोसोम है, वो सब इसमें भी पाया जाता है ना। लास्ट देखो डेल्टा सेल, हालांकि डेल्टा सेल बहुत कम होते हैं, 3-4% बस डेल्टा सेल होता है। ये जो आपको पर्पल कलर का शो हो रहा है ना वो क्या कहलाता है, डेल्टा सेल कहलाता है। और यह सेल गैस्ट्रिन नाम के क्या करते हैं, हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। तो कुल मिलाकर भी देखा जाए तो लैंगरहैंस में जितने भी कोशिकाएं होती है ना उनका क्या होता है, सबका अलग अलग काम होता है। तो मेन अगर हम लोग सेल की बात करें तो ये तीनों सेल हमारे लैंगरहैंस में पाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी कोशिकाएं पाई जाती है, वो मैंने
मैंने नोट्स में इंक्लूड किया हुआ है, मैं नाम आप लोगों को बता देती हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी कोशिकाएं होती है, जैसे कि एक्स सेल जिसको एफ सेल भी कहते हैं, तो यहाँ पे मैंने नोट्स में उसको पूरा लिखा हुआ है कौन सा एक्स सेल होता है। वैसे ये जो एक्स सेल एफ सेल है ना, वो खास करके जो अलग स्तनधारी जीव है उनमें काफी अच्छे से पाया जाता है, अलग अलग जीव जंतुओं में वो अच्छे से पाया जाता है। ई सेल होता है, सी सेल होता है, तो ये और भी टाइप के बहुत सारे, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के सेल होते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो लैंगरहैंस का द्वीप है ना, वो सेल का समूह होता है, कोशिकाओं का क्या होता है, वो एक समूह होता है ना। बहुत सारे अलग अलग टाइप के कोशिकाओं का इसमें क्या होता है, जाल बिछा होता है गाइस। तो ये है हमारा लैंगरहैंस के द्वीप। क्लियर हुआ आपको? क्या देखने वाले हैं कि जो लैंगरहैंस के द्वीप है या फिर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, उनसे कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, या फिर ये है कि पैंक्रियास से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो सबसे पहला हार्मोन यहाँ पे देखो इंसुलिन। तो देखो इंसुलिन हार्मोन को आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जैसे कई जो मरीज होते हैं जिनको शुगर की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज पेशेंट देखे हो ना, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो कभी आप लोगों ने सोचा कि आखिर क्यों इंसुलिन का उनको इंजेक्शन लगता है? क्योंकि ये जो इंसुलिन होता है ना, वो हमारे पैंक्रियास से क्या होते हैं, सिक्रेट होते हैं। पैंक्रियास के लैंगरहैंस के बीटा सेल के द्वारा क्या होते हैं, सिक्रेट होते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे कि मान लो हम लोग मिठाई खाए है ना, एग्जाम्पल दे रहे, जैसे हम लोग मिठाई खाए, जैसे हम लोग मीठा खाते हैं, फिर जैसे चावल वगैरह खाते हैं, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो जैसे हमारे शरीर में ग्लूकोज प्रवेश करता है, तो ये हार्मोन क्या करते हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, और ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके हमारे मसल्स में, लीवर में, शरीर के अन्य भागों में उसको स्टोर करके रखते हैं। तो उसको स्टोर करने के बाद, जैसे कि अगर हम लोग रनिंग करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो वो ग्लूकोज हमारे क्या करते हैं, हमको ताकत देने का काम करता है, हमको एनर्जी देने का काम करता है। तो ये क्या होता है, इंसुलिन या बीटा सेल के द्वारा सिक्रेट होते हैं, और हम जो भी ग्लूकोज ग्रहण करते हैं उनको टुकड़ों में काटते हैं या फिर उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देते हैं, और हमारे मसल्स में क्या करते हैं, स्टोर करके रखने का कार्य करते हैं इंसुलिन हार्मोन। तो इस हार्मोन का क्या काम होता है, इसके अलावा इन हार्मोन का क्या काम होता है, या हमारे टिश्यू एंड फैट में जो भी आरएनए वगैरह होता है उसको भी वो सिंथेसिस करने का काम करता है। इंसुलिन से रिलेटेड जो भी बीमारी है, डायबिटिक जो डायबिटिक मेलाइटिस जो होता है, उस बीमारी के बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो इंसुलिन का काम आपको समझ में आया कि जो भी हम लोग शुगर वगैरह लेते हैं ना, जो भी शक्कर वगैरह खाते हैं, जो भी चावल वगैरह, जो भी ग्लूकोज होता है हमारे शरीर में, उसको ब्रेक डाउन करने का क्या करते हैं, वो काम करते हैं। सेकंड नंबर में देखो एक और हार्मोन यहाँ से निकलता है, ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन क्या होता है, जस्ट इंसुलिन के विपरीत होता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। ये वाला हार्मोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है। जी हाँ, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जस्ट उल्टा इसका काम होता है। थर्ड नंबर का देखो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है वो किससे निकलता है, डेल्टा कोशिकाओं से निकलता है। हमारे शरीर में डेल्टा कोशिकाएं भी पाई जाती है ना लैंगरहैंस में, तो उन डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा ये क्या करता है, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। भोजन के डाइजेशन वगैरह में, फूड के डाइजेशन में भी अगेन इनका वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। याद है, क्लियर हो गाइस आपको? चलिए हम लोग क्या करेंगे कि पैंक्रियास से रिलेटेड जो भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, पैंक्रियास ग्लैंड के जो भी हार्मोन्स हैं उनसे रिलेटेड जो बीमारियां उत्पन्न होती है, वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो देखो सबसे पहले हमारा मधुमेह, जिसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज मलाइटिस, इसको डीएम भी कहा जाता है शॉर्टकट में। तो बहुत सारे लोगों को आजकल डायबिटिक की समस्या होती है, जिसको शुगर की बीमारी या शर्करा बीमारी भी कहते हैं। तो आखिर क्यों होता है ये बीमारी, वो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो देखो अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो गई या फिर हमारे शरीर में इंसुलिन का सिक्रेशन बंद हो गया, तो आप सोच सकते हो कितना बुरा प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ेगा। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन सिक्रेट नहीं होगा और हम लोग जो भी ग्लूकोज को लेंगे, जैसे मान लो मैं मिठाई खा रही हूँ, लड्डू खा रही हूँ, पेड़ा खा रही हूँ, फिर चावल खा रही हूँ, जो भी हमारे शरीर में ग्लूकोज बनेगा, तो वो फिर ब्रेक डाउन कैसे होगा, हमारे ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो हम जो भी खा रहे हैं, ग्लूकोज वगैरह ले रहे हैं, उसको ब्रेक डाउन होना भी तो जरूरी है ना, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में चेंज होना भी तो जरूरी है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट नहीं होता है, तो वो क्या होता है, जो भी हमारा ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है। ग्लूकोज हमारे ब्लड में ही रहता है, और हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब
लोग ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं ना, तो हमारा ग्लूकोज लेवल हमेशा बढ़ा हुआ मिलता है, 100, 150, 200 इस टाइप से, 100-200 mg/dL इस टाइप से हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहता है। तो इस ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। इंसुलिन कहाँ से मिलता है, अन्य जीवों के जैसे कि गाय हो गया, बैल हो गया, भैंस हो गया, उनके पैंक्रियाज से इंसुलिन को निकाला जाता है और हमारे शरीर में क्या किया जाता है, लगाया जाता है, ताकि हमारा जो ग्लूकोज है उसका ग्लाइकोजन में परिवर्तन हो सके। तो ये जो बीमारी होता है उसको हम लोग डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। जो पेशेंट डायबिटीज मेलाइटिस वाला होता है उनका जो वजन है वो तेजी से कम होने लगता है। हमारे शरीर में जो यूरिन होता है, जैसे कि हम लोग यूरिन वगैरह करते हैं, उसका अमाउंट बढ़ जाता है। जो डायबिटीज वाला पेशेंट होता है ना, बहुत ज्यादा यूरिन वगैरह करने लगता है। यूरिन करने से उसको बहुत ज्यादा प्यास लगता है, प्यास लगने के बाद बहुत ज्यादा पानी पीता है। तो इस टाइप का ग्लूकोज लेवल बढ़ने से ये सब होता है। और अगर किसी पेशेंट में बहुत ज्यादा ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो फिर लास्ट में उसकी मृत्यु भी हो सकती है, उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजर बीमारी है। तो इस डायबिटीज मेलाइटिस से बचने के लिए हमको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, अपना जो वजन है वो कंट्रोल करके रखना चाहिए। चावल के साथ साथ हमको रोटी, बाजरा, मक्के वगैरह की रोटी वगैरह भी खाना चाहिए। जो कंटिन्यू चावल खाते हैं ना, उसको थोड़ा सा कम करके अगर रोटी वगैरह भी खा सकते हैं, और जैसे कि मिठाई वगैरह है, बाहर के खाने हैं, उसको भी हम थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो इन फ्यूचर हम कभी भी डायबिटीज मेलाइटिस वगैरह नहीं होगा। ठीक है गाइस, अब देखो जो हमारा पैंक्रियास है ना, उसे एक और बीमारी उत्पन्न होता है, वो है हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, पेशेंट के शरीर में शुगर का लेवल कम हो जाता है, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया में शुगर का लेवल कम हो जाता है। तो शुगर का लेवल कम हो जाने पर हम लोग क्या करते हैं, उस पेशेंट को शुगर का बॉटल चढ़ाते हैं या फिर उसको मीठा खाने के लिए बोलते हैं। अगर मान लो हमारे शरीर में शुगर का लेवल बहुत कम हो गया तो किसी इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, अगर शुगर का लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया तो। ठीक है, ये है आज का टॉपिक। चलो अब आप जल्दी से क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो आई होप यू गाइस आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर इसके अलावा और कुछ छूट गया होगा तो आप लोग अपने बुक से पढ़ाई कर लेना। तो इस चैप्टर के हमारे 8 से 9 वीडियो बन चुके हैं गाइस। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर स्टार्ट करेंगे, तो इसके बाद मैं थोड़ा सा थर्ड ईयर का पढ़ा दूंगी। उसके बाद हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम जल्दी से स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो भी चीजें हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।